बात कह सुनाई। इसके बाद वे भगवान से रुक्मणी जी का संदेश कहने लगे। रुक्मणी जी ने कहा, त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के तप जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं तथा अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पर स्वार्थों के फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ है, श्रवण करके प्यारे अच्युत मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर, चाहे जिस दृष्टि से देखें, कुलशील स्वभाव सौंदर्य विद्या अवस्था धन धाम सभी में आप अद्वितीय हैं, अपने ही समान हैं। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं, सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करता है, आनंदित होता है। अब पुरुष भूषण, आप ही बतलाइए, ऐसी कौन सी कुलवती महागुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय आने पर आपको ही पति के रूप में वरण ना करेगी। इसलिए प्रियतम, मैंने आपको पति रूप से वरण किया है, मैं आपको आत्म समर्पण कर चुकी हूँ, आप अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है, आप यहाँ पधारकर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। हे कमलनयन प्राण वल्लभ, मैं आप सरीखे वीर को समर्पित हो चुकी हूँ, आपकी हूँ। अब जैसे सिंह का भाग सियार छू जाए, वैसे कहीं शिशुपाल निकट से आकर मेरा स्पर्श न कर जाए। मैंने यदि जन्म जन्म में पूर्वत कुआ बावली आदि खुदवाना, इष्ट यज्ञ आदि करना, दान नियम व्रत तथा देवता ब्राह्मण और गुरु आदि की पूजा के द्वारा भगवान परमेश्वर की ही आराधना की हो और वे मुझ पर प्रसन्न हो, तो भगवान श्री कृष्ण आकर मेरा पाणी ग्रहण करें। शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श ना कर सके। हे प्रभु, आप अजित हैं, जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइए और फिर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल तथा जरासंध की सेना को मत डालिए, तहस नहस कर दीजिए और बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। यदि आप यह सोचते हो कि तुम तो अंतःपुर में भीतर के जनाने महलों में पहरे के अंदर रहती हो, तुम्हारे भाई बंधुओं को मारे बिना मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ, तो इसका उपाय मैं आपको बतलाए देती हूँ। हमारे कुल का ऐसा नियम है कि विवाह के पहले दिन कुल देवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, जुलूस निकलता है, जिसमें विवाही जाने वाली कन्या को दुल्हन को नगर के बाहर गिरजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। कमल नयन, उमापति भगवान शंकर के सामने बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूलि से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वह प्रसाद आपकी वह चरण धूल नहीं प्राप्त कर सकी, तो व्रत द्वारा शरीर को सुखाकर प्राण छोड़ दूंगी। चाहे उसके लिए सैकड़ों जन्म क्यों ना लेने पड़े, कभी ना कभी तो आपका वह प्रसाद अवश्य ही मिलेगा। जन्म जन्म तक रगड़ हमारी, जन्म जन्म तक रगड़ हमारी, जन्म जन्मों तक मैं आपकी पत्नी हूँ और आपकी पत्नी रहूंगी, आपको प्राप्त करके रहूंगी, ऐसा रुक्मणी ने संदेश भेजा। ब्राह्मण देवता ने कहा, यदुवंश शिरोमणि, यही रुक्मणी के अत्यंत गोपनीय संदेश हैं जिन्हें लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके संबंध में जो कुछ करना हो विचार कर लीजिए और तुरंत ही उसके अनुसार कार्य कीजिए। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद्भागवत महापुराण के दसम स्कंद उत्तरार्ध में 53वां अध्याय देवी रुक्मणी के हरण का प्रसंग श्रवण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ राजकुमारी
रुक्मणी जी का यह संदेश सुनकर अपने हाथ से ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए यूं बोले, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण देवता, जैसी विदर्भ राजकुमारी मुझे चाहती है वैसी ही मैं भी उन्हें चाहता हूँ। मेरा चित्त उन्हीं में लगा रहता है, कहाँ तक कहूँ, मुझे रात के समय नींद तक नहीं आती। मैं जानता हूँ कि रुक्मी ने द्वेषवश मेरा विवाह रोक दिया है, परंतु ब्राह्मण देवता आप देखिएगा, जैसी लकड़ियों को मथकर एक दूसरे से रगड़कर मनुष्य उनमें से आग निकाल देता है, वैसे ही युद्ध में उन नामधारी क्षत्रिय कुल कलंकों को तहस नहस करके अपने से प्रेम करने वाली परम सुंदरी राजकुमारी को मैं निकाल लाऊंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने यह जानकर कि रुक्मणी के विवाह की लग्न परसों रात्रि में ही है, सारथी को आज्ञा दी कि दारुक तनिक भी विलंब ना करके रथ जोत लाओ। दारुक भगवान के रथ में शैव्य सुग्रीव मेघ पुष्प और वलाहक नाम के चार घोड़े जोत कर ले आया और हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया। सूर्य नंदन भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता को पहले रथ पर चढ़ाकर फिर आप भी सवार हुए और उन शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा एक ही रात में आनर्त देश से विदर्भ देश में जा पहुंचे। कुंडन नरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े लड़के रुक्मी के स्नेहवश अपनी कन्या शिशुपाल को देने के लिए विवाह उत्सव की तैयारी करा रहे थे। नगर के राजपथ पर चौराहे तथा गली कूचे झाड़ बुहार दिए गए थे, उन पर छिड़काव किया जा चुका था। चित्र विचित्र रंग बिरंगी छोटी बड़ी झंडियां और पताकाएं लगा दी गई थी, तोरण बांध दिए गए थे। वहां के स्त्री पुरुष पुष्प माला हार इत्र फुलेल चंदन गहने और निर्मल वस्त्रों से सजे हुए थे। वहां की सुंदर सुंदर घरों से अगर की धूप की सुगंध फैल रही थी। परीक्षित, राजा भीष्मक ने पितर और देवताओं का विधि पूर्वक पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया और नियमानुसार स्वस्ति वाचन भी किया। सुशोभित दांतों वाली परम सुंदरी राजकुमारी रुक्मणी जी को स्नान कराया गया, उनके हाथों में मंगल सूत्र कंगन पहनाए, कोहबर बनाया गया, दो नए नए वस्त्र उन्हें पहनाए गए और वे उत्तम उत्तम आभूषणों से विभूषित की गई। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने सामरक और यजुर्वेद के मंत्रों से उनकी रक्षा की और अथर्व वेद के विद्वान पुरोहितों ने ग्रह शांति के लिए हवन किया। राजा भीष्मक कुल परंपरा और शास्त्रीय विधियों के बड़े जानकार थे। उन्होंने सोना चांदी वस्त्र गुड़ मिले हुए तिल और गौए ब्राह्मणों को दान दी। इसी प्रकार चीदी नरेश राजा दम घोष ने भी अपने पुत्र शिशुपाल के लिए मंत्र के ब्राह्मणों से अपने पुत्र के विवाह संबंधी मंगल कृत्य कराए। इसके बाद वे मद चुवाते हुए हाथियों, सोने की मालाओं से सजाए हुए रथों, पैदलों और घुड़सवारों की चतुरंगड़ी सेना के साथ लेकर कुंडनपुरा पहुंचे। विदर्भराज भीष्मक ने आगे आकर उनका स्वागत सत्कार और प्रथा के अनुसार अर्चन पूजन किया। इसके बाद उन लोगों को पहले से ही निश्चित किए हुए जनवासों में आनंद पूर्वक ठहरा दिया। उस बरात में साल्व, जरासंध, दंतवक्त्र, विदुरथ और पौंड्रक आदि शिशुपाल के सहस्रों मित्र नरपति आए थे। वे सब राजा श्री कृष्ण और बलराम जी के विरोधी थे और राजकुमारी रुक्मणी शिशुपाल को ही मिले इसी विचार से आए थे। उन्होंने अपने अपने मन में यह पहले से ही निश्चय कर रखा था कि यदि श्री कृष्ण बलराम आदि यदवंशियों के साथ आकर कन्या को हरने की चेष्टा करेगा तो हम सब मिलकर उससे लड़ेंगे। यही कारण था कि उन राजाओं ने अपनी अपनी पूरी सेना और रथ, घोड़े, हाथी आदि भी अपने साथ ले लिए थे। विपक्षी राजाओं की इस तैयारी का पता भगवान बलराम जी को लग गया और जब उन्होंने यह सुना कि भैया श्री कृष्ण अकेली ही राजकुमारी का हरण करने के लिए गए हैं, तब उन्हें वहां लड़ाई झगड़े की बड़ी आशंका हुई। यद्यपि वे श्री कृष्ण का बल विक्रम जानते थे, फिर भी भ्रातृ स्नेह से उनका हृदय भर आया। वे तुरंत ही हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की बड़ी भारी चतुरंगणी सेना साथ लेकर कुंडनपुर के लिए चल पड़े।
इधर परम सुंदरी रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने देखा श्री कृष्ण की तो कौन कहे, अभी ब्राह्मण देवता भी नहीं लौटे, तो वे बड़ी चिंता में पड़ गईं, सोचने लगी आहो अब मुझे भागनी के विवाह में केवल एक रात की देरी है, परंतु मेरे जीवन सर्वस्व कमल नयन भगवान अब भी नहीं पधारे, इसका क्या कारण हो सकता है, कुछ निश्चय नहीं मालूम पड़ता। यही नहीं, मेरे संदेश ले जाने वाले ब्राह्मण देवता भी तो अभी तक नहीं लौटे। इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप परम शुद्ध है और विशुद्ध पुरुष ही उनसे प्रेम कर सकते हैं। उन्होंने मुझ में कुछ न कुछ बुराई देखी होगी, तभी तो मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मुझे स्वीकार करने के लिए उद्यत होकर वे यहाँ नहीं पधारे हैं। ठीक है, मेरे भाग्य ही मंद है, विधाता और भगवान शंकर भी मेरी अनुकूल नहीं जान पड़ते। यह भी संभव है कि रुद्र पत्नी गिरिराज कुमारी